नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में एक ऐसा राजा आया है, एक ऐसा शासक आया है जो कि प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली हिंदू है। वो मानता है हिंदू संस्कृति को, वो धारण करता है और सबको धारण करने की सलाह भी देता है। भले वो अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन जब वो करता है तो हिंदुओं को अपने ऊपर प्राउड होता है कि हमारा राजा, जिसे हम सब ने लोकतंत्र के हिसाब से चुना है, वो कितना प्राउडली अपने हिंदुत्व को धारण करता है। और उसको देखकर हम सबके मन में एक अग्नि सी धधक पड़ती है। हम सबका सोया हुआ जो सोया हुआ हिंदुत्व है वो जाग पड़ता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हिंदू हैं, 30% 40% आप कितना भी मान सकते हैं, जो अभी तक भी सोए हुए हैं, जिन्हें जगाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो जाग रहे हैं, यानी कि उनकी आंखें तो खुली हैं लेकिन वो सोने का नाटक कर रहे हैं। कहते हैं किसी को नींद से जगाना तो आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा ही मुश्किल है। उसको जगाया तभी जा सकता है जब उसके ऊपर आघात हो, जब उसके ऊपर चोट की जाए, और वो चोट तभी लगेगी जब उसका कोई पर्सनल नुकसान होगा। ये सब मैं आज इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक डाटा आया है, जैसे सर्वे होते हैं जनसंख्या के आधार पे, भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सर्वे आया है जिसके अनुसार पिछले 65 सालों के अंदर जो हिंदुओं की जनसंख्या दर है वो 8% घट गई है। और वहीं दूसरी तरफ जिसे आप माइनॉरिटी के नाम से बोलते हैं, वो माइनॉरिटी एक बहुसंख्यक होने जा रही है। उनकी संख्या 43% बढ़ गई है। आप सोच सकते हैं इसका अर्थ क्या है? जब हिंदू घटते हैं तो क्या क्या देश में घटित होता है, यानी कि जब ऐसी मेजोरिटी घटती है जो लोकतंत्र को मानती है, जो वसुदेव कुटुंबकम को मानती है, जो हर तरीके से नारी के सम्मान को मानती है, जो सबको समान मानती है, सबका समान अधिकार मानती है, यदि कोई ऐसी मेजोरिटी जब घटती है और दूसरी तरफ ऐसी माइनॉरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, खासतौर पे मुस्लिम जो कि शरिया को मानती है, जो कि नारी सम्मान नहीं करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का कानून चलाती है, भले वो उनकी किताब में कितने हजारों साल पहले ही लिखा गया हो, वो आज भी लागू करना चाहते हैं। यदि ऐसी मेजोरिटी हो जाती है तो उसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि देश के अंदर संविधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर चलेगा शरिया। दूसरी तरफ जब सनातन संस्कृति से पले बड़े लोगों की मेजोरिटी बढ़ती है तो देश के अंदर संविधान चलता है, डेमोक्रेसी होती है, हर तरीके से सबका सम्मान और एक ही तरीके से संविधान को लागू किया जाता है, एक ही तरीके से सबको बराबर समझा जाता है, सबको खाने पीने का पहनने का हक दिया जाता है, बोलने का अधिकार दिया जाता है, हर तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होता है। हिंदू घटेंगे तो सोच लीजिए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हर कीमत पे होगा। इसके लिए मुझे आपको उदाहरण देने की आवश्यकता है तो नहीं, लेकिन आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। भले आप उस चीज के अंदर बांग्लादेश को देखिए, भले आप अफगानिस्तान को देखिए, भले आप पाकिस्तान को देखिए, जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी बढ़ती चली जा रही है, जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वहां वहां माइनॉरिटी का हाल क्या हो गया है? या तो उनको खत्म कर दिया गया है या फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो बचे कुचे हैं उनसे जजिया लिया जाता है, उनको बार बार हर चीज में रोका जाता है, उनका अधिकार सेम नहीं है। हर देश के अंदर जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर 80% तो मुस्लिम्स हैं और 20% कोई और कम्युनिटी है, जहां पर 100% है वहां पर भी आपको किसी तरह का कुछ भी इस तरह का अधिकार वगैरह की कोई बात निकलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर तो एक ऐसा कानून ही लागू होगा। लेकिन जहां पर इस तरह के माइनॉरिटी होती है, जहां पर माइनॉरिटी सनातनी कम होते हैं, वहां समस्या आती है, वहां पर शरिया लागू होता है और उस माइनॉरिटी को या तो कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है या उनको जितना हो सके घटाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों का सोचना ये भी हो सकता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर हिंदू घट जाता है, तो क्या फर्क क्या पड़ता है?
मैं आपको दोनों पॉइंट बताऊंगी कि अगर हिंदू घटता है तो क्या फर्क पड़ता है और अगर मुस्लिम बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि हाँ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। हिंदू घटे तो क्या हो सकता है। पहली बात, हिंदू घटे तो लोकतंत्र कमजोर होता है, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि लोकतंत्र कमजोर होगा क्योंकि सनातन जो होता है वो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, सबका एक तरीके से अधिकार में विश्वास रखता है। अगर हिंदू घटता है तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। हिंदू जैसे जैसे घटता चला जाएगा, उनकी मेजोरिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वो 50+ होते चले जाएंगे, वो अपने अधिकार आप पर लगाने शुरू कर देंगे। आप घटते चले जाएंगे तो इसका मतलब आपका अधिकार घटता चला जाएगा और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, उनका अधिकार शुरू हो जाएगा। अभी भी कहीं जगह पर अगर आपको दिख जाए किसी गांव में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि वहां पर अगर मुस्लिम मेजोरिटी बहुत मुस्लिम मेजोरिटी है, अधिक संख्या के अंदर है, तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर मंदिरों के ऊपर बैन लगाया जाता है, वहां पर मंदिरों की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, वो पूजा पाठ करे तो भी अंदर करे, उनके मंदिरों से चोरियां हो जाती है। बहुत सी ऐसी जगह है, अगर आपको नहीं है तो आप गूगल करिए, आपको बहुत से ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे जहां की न्यूज आपको ऐसे मिल जाएगी, जहां मुस्लिम मेजोरिटी होती है वहां पर ये सब हादसे, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा पॉइंट, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो आगे आएगी नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही होता है कि पूरा संसार, पूरा जो ये ब्रह्मांड है वो सभी एक ही है, एक ही घर है, एक ही परिवार है, हम सबको समान लेकर चलते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं में भावना होती है, बाहर नहीं होती है, तो ये भावना समाप्त। तीसरा पॉइंट, सर्व मंगल की जो कामना हिंदू करता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, ये जो कामना करता है वो बिल्कुल समाप्त, क्योंकि ये भावना सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में होती है और किसी के अंदर नहीं होती है, तो वो भावना समाप्त हो जाएगी। किसी का भी मंगल हम नहीं सोच सकेंगे यदि हम कन्वर्ट होते हैं या फिर यदि हमारी संख्या घट घट जाती है, तो वो भावना खत्म हो जाएगी। चौथा पॉइंट, जहां पर नारी तू नारायणी को माना जाता है, जहां पर नारी को पूजा जाता है, नारी को नारायणी मानकर पूजा जाता है, नारी की हर तरीके से उनकी पूजा की जाती है, या ये कहें कि उनको माना जाता है, उसको अपने घर के अंदर माँ का, बहन का एक सम्मान रूप दिया जाता है, वो सब समाप्त, क्योंकि वहां पर नारी का सम्मान नहीं किया जाता, वहां पर नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता है। हमारे पूरे संसार के अंदर तीन रूप माने जाते हैं नारी के, तीन तरीके से देखा जाता है। एक होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, नारी को क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे देखा जाता है, एक होता है नारी को इस्लाम में कैसे देखा जाता है, और तीसरा होता है नारी को भारत में कैसे देखा जाता है, यानी कि हिंदुइज्म में कैसे देखा जाता है। इस्लाम के अंदर नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता है, लेकिन वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता है कि वो आपकी निजी संपत्ति है, आप उसको ढक कर चले, बाहर कोई देख ना ले, यानी कि पूरा के पूरा उनको कवर किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में जो भोग विलास की वस्तु माना जाता है नारी को, वहां पर नारी को पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है, वहां पर हर तरीके से आप घूम सकती हैं, अर्धनग्न नग्न जैसे मर्जी, वहां पर ऐसी कोई रोक नहीं होती। तीसरा, एक नारी का स्वरूप भारत में माना जाता है, जहां पर नारी को देवी माना जाता है, जहां पर नारी को सर्व सम्मान के साथ उनको पूरे अधिकार मिलते हैं, मां को पिता के समान अधिकार मिलते हैं, भाई को बहन के समान अधिकार मिलते हैं, बेटी को बेटा के समान अधिकार मिलते हैं, पति को पत्नी के समान अधिकार मिलते हैं, कहीं से भी किसी में भेद नहीं है, पति पत्नी में भेद नहीं है, बहन भाई में भेद नहीं है, जो बहन को मिलेगा वही भाई को मिलेगा, जो भाई को मिलेगा वही बहन को मिलेगा। और यही जो भाव है ये सिर्फ हिंदुओं में आता है, ये किसी और धर्म में, किसी और मजहब में, किसी और पंथ में नहीं आता है। ये भाव समाप्त हो जाएगा, नारी को नीच स्तर पर ला दिया जाएगा यदि हिंदू घटता है, यदि हिंदू कन्वर्ट होता है, यदि हिंदुओं की संख्या घटती चली जाती है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या घटेगी तो उनकी बढ़ेगी, उनकी तो बढ़ ही रही है, वो कम नहीं होंगे। उन पर अगर कंट्रोल करना है तो हिंदुओं को इस चीज में एकजुट होकर आगे आना होगा। खैर, अगला पॉइंट सुनते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात कि हिंदू आज भी सेकुलर है, इसको सेकुलरिज्म सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे संविधान के अंदर सेकुलरिज्म जो वर्ड डाला गया था उसको डालने की आवश्यकता नहीं थी, हिंदू शुरू से सेकुलर था, है और रहेगा।
उसके मन के अंदर या उसकी वेदों के अंदर या उसके ग्रंथों में या उसके पुराणों में ही सिखाया गया है कि सबका साथ सबका विकास, एक साथ चलकर ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। लेकिन एक बात और भी है जिस चीज को हर कोई भूलता है, अगर हिंदुओं को सहनशीलता सिखाई जाती है, वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, तो यदि उसको छेड़ोगे तो वो छोड़ता भी नहीं है, ये बात भी होती है, जो ये बात दुनिया वाले भूल जाते हैं। तो अगर हिंदू घटेगा तो वो चीज भी घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सबका साथ सबका विकास समाप्त, सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर आप एग्जांपल पाकिस्तान का भी उठाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर जो मुस्लिम लोगों को अधिकार मिलते हैं वहां पर हिंदुओं की हालत बहुत बुरी होती है, बहुत ज्यादा बुरी, हर तरीके से उनको निचले स्तर पर लाया जाता है। वहां के जो वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर, वहां देख सकते हैं कैसे बिलक रही होती हैं हिंदू माताएं, उनकी बेटियों को दिन दहाड़े कैसे मर्जी उठा कर ले जाते हैं, वो केस करती हैं तब भी तब जाके करती हैं जब कोई आके बड़ा न्यूज चैनल या कोई उनकी रिपोर्ट करता है, उनकी बात को सुनता है, तब जाके केस होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए बचती हैं, उसके बाद फिर वो निकल जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं कन्वर्जन शुरू हो जाता है। ये समस्या है। अब आते हैं बात कि अगर मुस्लिम बड़ा तो क्या होगा, मुस्लिम बड़ा तो संविधान खत्म, क्योंकि संविधान को वो मानते ही नहीं है, उनके लिए संविधान का कोई औचित्य नहीं होता, उनके लिए एक ही कानून है, वो है शरिया, जो कि उनके हिसाब से उनकी किताब के हिसाब से चलता है, उसी शरिया को वो लागू करेंगे, उसी शरिया के अनुसार इस देश में हर चीज चलेगी। दूसरा पॉइंट, यदि मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा। जो न्याय प्रणाली अब चल रही है, जिस तरीके से न्याय किया जाता है, वो समाप्त हो जाएगा, न्याय एक समान नहीं रहेगा, जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से न्याय चलेगा, वो जैसा कहेंगे उनके शरिया के हिसाब से कानून चलता है, वही कानून चलाया जाएगा, और वो कानून हिंदुओं पर लागू होगा जो कि घट जाएंगे, यानी कि हिंदू के साथ जितने भी जो हमारे पंथ देश में चलते हैं वो तो वैसे भी घटे हुए हैं, अगर हिंदू घटेगा तो वो कानून लागू किया जाएगा, यानी कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल चेंज, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, समान अवसर नहीं मिल पाएगा। जो आप कहते हैं ना, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब आके बोलते हैं हमें समान अवसर चाहिए, हमें हर तरीके से रैंकिंग में भी चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज समान मांगते हैं, वो समान अवसर हिंदुओं के लिए समाप्त हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। यदि हिंदू घटता है, यदि हिंदू उनसे घट जाता है, तो समान अवसर नहीं मिल पाएगा, आपको किसी तरह का अधिकारी नहीं बनाया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से हर तरीके से बैठने को भी नहीं मिलेगा, अधिकारी तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा नौकर भी आप शायद ना बन पाओगे किसी सरकारी व्यवस्था के अंदर। चौथा पॉइंट, किसी तरह का कोई भाईचारा नहीं निभाया जाएगा। अब जो भाईचारा की बात करते हैं वो भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किसी तरह का कोई भाईचारा नहीं निभाया जाएगा। यदि ये सब कुछ हुआ तो इस्लाम के अनुसार, या फिर ये कहें इस्लामिक जो किताब है उसके अनुसार शरिया लागू होगा, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म, लोकतंत्र की बात तो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी यदि हिंदू घटा। सनातन के अंदर, या ये कहें कि हम हिंदुओं में एक प्रथा होती है कि हम तर्क वितर्क करते हैं, कोई भी चीज हो, भले आप आज के टाइम में देख सकते हैं हमारी हर पुस्तक जितनी भी है, भले वो रामायण है, महाभारत है, या कोई भी गाथा है हमारे देश की, हमारे पूर्वजों की, हमारे राम की, या हमारे श्री कृष्ण की, कोई भी किसी भी तरह की, कोई भी वेद हो, कुछ भी हो, हर चीज पर तर्क वितर्क होता है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की प्रथा होती है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए, या ये प्रथा गलत थी, या ये प्रथा सही नहीं बताई गई थी, तो उसको चेंज करने का प्रावधान होता है, उस चीज पर तर्क वितर्क किया जाता है। लेकिन यदि हिंदू घटा तो इस तरह का तर्क वितर्क बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में तर्क वितर्क का कोई स्थान ही नहीं है। वहां पर आप छोटी सी बात नहीं बोल सकते उनकी किताब के खिलाफ, वहां पर वो अपने चापड़ लेकर खड़े हो जाते हैं, आपका गला रेतने को तैयार हो जाते हैं, हर तरीके से मारने को तैयार हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, अगर हिंदू घटा तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीजें किस हद और किस लेवल तक जा सकती हैं। इन सब चीजों को रोकने का कानून अवश्य आना चाहिए। हिंदू तो तब से मानता आया है कि हमारे दो ही बच्चे अच्छे,
तब से मानता आया है जब से ये सरकार बननी शुरू हुई थी, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र आया था, एक तरीके से संविधान आया था। तब से जो तब प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू जी, उन्होंने ये चीज बता दी थी, या ये कहें कि तब से इंदिरा गांधी जब से आई थी तब से उन्होंने ये चीज डाल ही दी थी कि बच्चे दो ही अच्छे, और दो बच्चों के हिसाब से हिंदुओं ने ये बात माननी शुरू भी कर दी थी। कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज सोची नहीं कि उनकी मेजोरिटी भी कभी कम होने की कगार पर आ सकती है, या उनकी मेजोरिटी भी कभी घट सकती है, उनकी जनसंख्या जो दर है सोचा नहीं था। लेकिन तब से वो दो बच्चों पे ही अटके हुए हैं, उससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। किसी किसी का तो एक ही होता है, किसी किसी का तो आजकल होता भी नहीं है, ये भी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ वो मेजोरिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते जा रहे हैं। उनके एक एक परिवार के अंदर 15-15 लोग होते हैं, जो एक ही माँ बाप होते हैं, उनके 12-12 बच्चे होते हैं। इस तरीके से वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपनी, सीधा सीधा वो जनसंख्या बढ़ाकर आपके देश को गजवाए हिंद करना चाहते हैं, साफ साफ तरीके से दिख रहा है। इन सब का कंट्रोल यही है कि जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, सीधी सी बात है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुओं के लिए तो बहुत पहले से था ही, हिंदू उसको पालन करते थे। ये मुस्लिम जनसंख्या कानून आना चाहिए, ये बिल्कुल हर तरीके से पत्थर की लकीर है, इसको आना ही चाहिए। नहीं आया तो बहुत बुरी तरीके से हमारा देश का जो संसाधन है वो खत्म होता चला जाएगा। हम हिंदुओं ने अपने बच्चों को इसलिए बढ़ाया नहीं, इसलिए हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे देश के संसाधन हर किसी के पास बराबर मात्रा में जाएं, किसी के साथ भी कुछ अन्याय ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता संसाधन खत्म हो या ना हो, उन्हें बस अपनी किताब के अनुसार चलना है, अपने मौलानाओं के अनुसार चलना है, वो जैसा कहते हैं उस तरीके से वो करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ एक चीज और है जो होनी चाहिए, और वो है समान शिक्षा। ये जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वहां पर किस तरह की शिक्षा मिलती है वो हम सब जानते हैं, उसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसी की आड़ में हर तरीके से अलगाववाद भी सिखाया जाता है, कट्टरवाद भी सिखाया जाता है, जो कि नाजुक नाजुक बच्चों के दिमाग पर असर करता है, और उसके बाद वो कट्टरवादिता को अपनाते हैं। इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। बड़े ही अजीब ढंग से पाकिस्तान ने हम सबके साथ एक खेल खेला है, जिसका डिस्क्लोज अब जाकर हुआ है जब से एक राष्ट्रवादी सरकार आई है। और वो खेल ये था, जब कोई कहता था कि पाकिस्तान अलग कर दिया गया है, पाकिस्तान अब हमारे देश को किस तरीके से गजवाए हिंद करेगा, क्योंकि ये प्लान तब से है, आज से नहीं है। 1947 में अगर पाकिस्तान अलग किया गया था, भारत का विभाजन किया गया था, तो ये प्लान तो तब से ही है, आज से नहीं है। लेकिन तब पाकिस्तान यही सोचता था कि क्या हो गया अगर हम वहां बैठे हैं, हमारे लोग तो यहां हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। और उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदलना शुरू किया। अब हमारे ऊपर आक्रमण करने की बजाय अब वो हमारे देश में बैठे उन लोगों को भड़काते हैं, उन लोगों को कट्टरवाद सिखाते हैं, और ये फंडिंग प्रॉपर बाहर से होती है। ये जब तक कट्टरवादिता की फंडिंग बंद नहीं होगी, जब तक इस तरह की एक समान शिक्षा शुरू नहीं होगी, जिस तरीके से हिंदू का बच्चा एक आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रवाद के लिए सब कुछ करता है, पढ़ता है, लिखता है और राष्ट्रवाद की सोचता है, उसी तरीके से उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी एक सिंपल शिक्षा, जो प्रॉपर तरीके से समान शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए, जिससे बच्चा राष्ट्रवाद सीखे, जिससे बच्चा इस तरह की कट्टरवादिता या फिर बुक के हिसाब से चलना के ना सीखे। उसी तरीके से हमारा देश, हमारे संसाधन या जनसंख्या पे कंट्रोल भी संभवतः हो जाएगा। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।